पूर्व नागपुर स्थित जय भीम चौक पर कल रात को एक हादसा हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक महिला की मौत हो गई और उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे को बचाने के चक्कर में महिला जो है वो ट्रक के नीचे आकर कुचली गई और उनकी वहाँ मौत हो गई। तो उनकी मौत का यहाँ पे जो ये नागपुर में जो असुविधाएं है, नागपुर की प्रशासन की जो यहाँ पे अनदेखी है उसके कारण यह एक्सीडेंट का कारण बताया जा रहा है। तो नागपुर प्रशासन के खिलाफ में यहाँ के हिवरी नगर और यहाँ के जितने भी रहवासी है सब वो लोग आज रोड पर उतरे हैं, वो महिला का शव लेकर, और यहाँ पर जो है नारेबाजी चल रही है, यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ में रोड पर उतर कर आंदोलन चल रहा है और वो शव को भी यहीं रखा गया है जब तक कि यहाँ के लोगों को प्रशासन पूरी तरीके से जस्टिस नहीं देगा या जिसने ये किया उसको पकड़ेगा नहीं तब तक ये आंदोलन चलते रहेगा, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। पिछले 4 महीने से 6 महीने से यहाँ पे काम चालू है और ये काम में अनियमितता इतनी है कि किसी भी प्रकार की बैरिकेडिंग नहीं, और यहाँ से लेके वर्धमान नगर चौक से लेके तो निर्मल नगरी तक के और KDK कॉलेज से लेके तो वुड खाना तक के सारे दोनों साइड के बीच में रोक काम चल रहा है, उन्होंने बैरिकेडिंग कर दिए। उसके बाद में OCW ने उसके साइड से और खोद के रख दिया है। आज लोग यहाँ की जनता रोज आना जाना मजदूर वर्ग लोग है, यहाँ से काम को जब जाते हैं तो वहाँ पे वो शाम को आएगा क्या नहीं आएगा ये धास्ती है। परसों ये कल ये औरत का एक्सीडेंट हो गया यहीं पे, इसके पहले कितने एक्सीडेंट हो गए, आज तो ये मर गई, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन मरण में यातना भुगत रहे, जिनकी हड्डियाँ टूटी है लेकिन किसी भी प्रकार का मार्यल किसी भी प्रकार से यहाँ पे व्यवस्था नहीं कर रहा। आज देखो दोनों साइड में कितना बुरी तरीके से बड़े बड़े वाहन वहाँ पे ट्रेलर तक के चल रहे, जहाँ पे काम चालू है वहाँ पे इन्होंने आवाजाही वहाँ पे बंद करना चाहिए, पुलिस प्रशासन अपना काम करना चाहिए, किसी भी प्रकार का ट्रैफिक पुलिस नहीं है यहाँ पे, ये सेफ्टी गार्ड यहाँ पे किसी भी प्रकार के कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं लगाए। हमारी मांग नहीं ये है, आज ये बहन मर गई, कल हमारे पास की दूसरी बहन है, अब सारी बहनें हैं यहाँ पे, ये सारी बहनें यहाँ पे मरेगी और ये हम पुलिस प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो जो मारेल का प्रशासन है, वो प्रशासन को बोल के यहाँ पे जो हमारी सूचना है, हमारी मांग नहीं है, वो पूरी करे। जो बच्चा दो साल का बच्चा है, वो पति जो निराधार हो गया है, उसको खुद तो भी व्यवस्था करके देना चाहिए, ये हमारी मांग नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, 2 साल का बच्चा है, वो माँ मर गई और ये सब जगह खोद के रखे इन्होंने जहाँ वहाँ, ये रोज के एक्सीडेंट है। आज तो मुद्दा उठाया पब्लिक ने, लेकिन रोज कोई ना कोई एक्सीडेंट हो ही रहा है। 6 पुलियों का इन्होंने उद्घाटन करके रखा है, पूरा नागपुर शहर इन्होंने खोद के रखा है। प्रशासन ये सब जान पे खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों के, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये सब जगह खोद के रखी है, हटना चाहिए। और जो उनका नुकसान हुआ, जो 2 साल का बच्चा अनाथ हुआ है, उनको न्याय मिलना चाहिए, यही हम मांग करते हैं। और सब जगह आवाज़ एक हो गई है पब्लिक, और शासन सोया पड़ा है। तो कहा गए इनका जो सब सरकार इनकी है, सब इनका है, हाँ राज्य में इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में इनकी सरकार है, शहर अध्यक्ष इनका है, उप मुख्यमंत्री इनका होने के बाद भी ये आवाज़ नहीं उठा रहे, ये आग बंद करके सोए पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं क्या खिलवाड़ चल रहा है पब्लिक के साथ, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है। और जो बेचारी मरी है उनको न्याय मिलना चाहिए, हम प्रशासन से ये करते हैं। प्रशासन की लापरवाही से जो भी नुकसान होता है या जो भी अनदेखी होती है उसका जो खामियाजा है वो आम तौर पर जनता को है वो उठाना पड़ता है, और वही केस आज जो यहाँ हुआ सेम उसी केस का एक उदाहरण है। कैमरामैन प्रवीण सूर्यवंशी के साथ सुयेश सेठिया, महाराष्ट्र TV24, नागपुर।